अभी तक पूरे भारत में अपनी टेलीफोन और इंटरनेट सेवा देने वाली भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL अब मुंबई और दिल्ली पर भी कब्जा जमाएगी। खबर है कि 1 जनवरी से कंपनी दोनों शहरों में फिक्स्ड और वायरलेस सेवा ट्रायल के आधार पर शुरू कर रही है। इससे आने वाले समय में जियो के साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की इंटरनेट और फोन सेवा को टक्कर मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक दिल्ली और मुंबई में सरकारी दूरसंचार कंपनी MTNL इंटरनेट और फोन सेवा दे रही थी, अब दोनों के बीच मर्जर की खबर है। इसी आधार पर BSNL इन दोनों शहरों में MTNL के तहत अपनी सेवा शुरू करेगी। हालांकि दिल्ली और मुंबई में MTNL का पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर है और BSNL को बस इसे चालू करना है। ऐसे में BSNL को एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिससे वो अन्य टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगी। 1 जनवरी से शुरू होने वाली मुंबई और दिल्ली में BSNL पहले अपनी वायरलेस और फिक्स्ड लाइन सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू करेगी। बाद में अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। मुंबई और दिल्ली में BSNL अपनी 4G सर्विस को भी शुरू करने की योजना बना रही है। हालांकि इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से POC यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की मंजूरी ली जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने दोनों कंपनियों के विलय के लिए 68,751 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया है। इसमें 4G स्पेक्ट्रम लोकेशन और इच्छा से रिटायर होने के भी प्लान शामिल है। वाइड ब्रॉडबैंड में BSNL टॉप पर है, जिसके पास देश भर में 78.5 लाख ग्राहक है। वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा के मामले में BSNL के पास 159 लाख ग्राहक बनाए हैं। ट्राई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में MTNL के मोबाइल ग्राहकों की संख्या में 6,081 की गिरावट आई है। हालांकि BSNL के मोबाइल कनेक्शनों में 2.14 लाख का इजाफा हुआ है। BSNL ने कुछ समय पहले ही सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के माध्यम से 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जुटाई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने BSNL और MTNL के वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए सभी मंत्रालय, सार्वजनिक विभाग और सार्वजनिक सेक्टर की यूनिट्स के लिए सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL की सेवाओं के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।